मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के बागी और पूर्व विधायकों ने अपने बीते 15 महीने के कार्यकाल को लेकर विज्ञापन जारी कर दिए हैं, लेकिन ये विज्ञापन उनके लिए जी का जंजाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिन 15 महीनों में विकास कार्य होने का जिक्र किया है वो कमलनाथ सरकार के दौरान के हैं। बीजेपी के नए नवेले नेता मुन्नालाल गोयल ने फुल पेज का विज्ञापन जारी किया, जिसमें उन्होंने 15 महीने के कार्यकाल में कराए गए कामों का सिलसिलेवार जिक्र किया है। ऐसे में अब कांग्रेस ने उन्हें घेर लिया है। कांग्रेस ने गोयल से पूछा कि जब आपके विधानसभा में करोड़ों के विकास कार्य हो रहे थे तब भी आप बागी क्यों बन गए, क्यों कमलनाथ सरकार पर अपनी उपेक्षा के आरोप लगाकर इस्तीफा देकर आप बीजेपी में चले गए। वहीं मुन्नालाल गोयल का कहना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में करोड़ों रुपए के काम कराए हैं, जो हकीकत है, इसलिए उन्होंने विज्ञापन जारी कर दिया है। दरअसल सिंधिया समर्थक मुन्नालाल गोयल ने अपने क्षेत्र में काम नहीं होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। मुन्नालाल जी और उनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहते थे कि कांग्रेस में उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, उस कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। उसके बिल्कुल देखिए विरोध में जाके विरोधाभासी जो आज उन्होंने ऐड दिया है, जब करोड़ों रुपए के विकास कार्य हुए तो अब वो किस बात पे कांग्रेस छोड़कर गए और जनमत को बेचा उन्होंने। गिनाए हमने तो गिना दिए कि 15 महीने में इतने काम हुए, हमारे प्रस्तावित काम ये हैं, हमारे निर्माणाधीन जो काम चल रहे हैं वो ये हैं, हमने पूरी बात बता दी है। और कांग्रेस बताया क्या, इसने क्या किया कांग्रेस ने? याद है निश्चित तौर पर काम हुए, तभी तो बता रहे हम ये सारे काम जो 15 महीने काम है आप जाके देख लो काम हुए नहीं हुए। और प्रस्तावित मेरे काम है वो आप देख लीजिए आप, और जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो देख लीजिए आप, जो कहा है वो सच है। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए, विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नासिर गौरी ग्वालियर से जुड़ रहे हैं, जो उनकी तरफ रुख करते हैं। नासिर, जो विज्ञापन दिया गया है पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल की तरफ से, वो साफ तौर पर जो कांग्रेस सवाल उठा रही है, सवाल उठाने भी लाजमी है, क्योंकि कुछ यही दलील दी गई थी जब वो बीजेपी का दामन थाम रहे थे, कांग्रेस का हाथ छोड़ रहे थे कि विकास कार्यों के लिए पैसे नहीं मिलते, कमलनाथ सरकार उनकी सुनती नहीं है। लेकिन अब उन्हीं 15 महीने में जो काम किए गए हैं उसी को उस एड में दिखाया गया, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस तो सवाल उठाएगी ही। और मुन्नालाल गोयल से भी जो आपने बातचीत की है उसमें कहीं पर भी ये नजर नहीं आ रहा था कि वो इस सवाल का जवाब दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हाँ काम हुआ है, इसलिए उन्होंने वो एड जारी किया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि उनको दोबारा से जो उपचुनाव होना है उसमें जाना है, और ऐसे में वो वोटर से अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं, और ऐसे में उनका एक जो विज्ञापन है जारी किया है, एक फुल पेज का विज्ञापन है, जो अब उनके लिए मुसीबत का सामना मुसीबत बन गया है, क्योंकि कांग्रेस उसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर उसको वायरल कर रही है, और साथ ही मुन्नालाल गोयल को ट्रोल करने की कोशिश कर रही है कि जिस तरह से वो बात करते थे, कहते थे कि उनके विधानसभा क्षेत्रों में काम नहीं हो रहे, कई सारे काम थे, प्रस्ताव थे, वो पेंडिंग है, क्योंकि जो काम है कमलनाथ जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्रों में काम करवाए, लेकिन उनकी विधानसभा क्षेत्रों में काम नहीं करवाए, ऐसे में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर। लेकिन अब जिस तरह से विज्ञापन जारी किया गया है उसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि कई करोड़ रुपये के काम है, और कामों की संख्या भी कोई महज 10-20 की नहीं है बल्कि सैकड़ों की संख्या में काम है, जिसमें प्रस्तावित काम दिखाए गए हैं, निर्माणाधीन काम दिखाए गए हैं, साथ ही ये भी दिखाया गया कि उनका आइडियल क्या था, पूर्व 15 महीने में किस तरह का काम की योजना थी, उसको लेकर वो आगे भी काम कर रहे हैं। तो अब वो सवालों के घेरे में वो विज्ञापन आ गया कि जब जिस तरह से वो सवाल उठाते थे कि उनकी सरकार में उपेक्षा हो रही है, काम नहीं हो रहे हैं, और उस तरह उसके बाद अगर इस तरह का विज्ञापन जारी होता है तो कहीं ना कहीं लाजमी है कि कांग्रेस उनको घेरने का काम कर रही है, और जिसके बाद वो शायद वो जो जवाब होना चाहिए मुन्नालाल गोयल का वो नहीं दे पा रहे हैं, और खुद मान भी रहे हैं इस बात को कि उनकी सरकार में रहते हुए, कांग्रेस की सरकार में रहते हुए काम हुआ, तो फिर ये सवाल है कि आखिर उस काम हो रहे थे तो फिर आपने इस्तीफा क्यों दिया, और ये इस तरह का एलिगेशन क्यों लगाया कि आपकी कांग्रेस की सरकार में सुनी नहीं जा रही थी, आपके विधानसभा क्षेत्रों में काम नहीं हो रहे थे। बिल्कुल आसर देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल ने यह एड जारी किया है, जब दूसरे पूर्व विधायक बाकी विधायक अपने एड जारी करेंगे तब देखने वाली बात होगी कि वाकई उनके विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ था या नहीं हुआ था, और जो दलील दी गई उनकी तरफ से वो कितनी जायज थी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नासिर।